उत्तर प्रदेश के बरेली में इफ्को प्रोजेक्ट आंवला इकाई प्रबंधक के विरुद्ध भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक का 11 दिसंबर 2021 से अनिश्चितकालीन शांति रूप से धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक बरेली के जिला अध्यक्ष चौधरी गजेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में जिला अधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन दिया। अब बताया इफ्को प्रोजेक्ट आंवला इकाई प्रशासन के खिलाफ दिनांक 11 दिसंबर 2021 से अविरत चल रहे भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के अनिश्चितकालीन धरने को शांति व्यवस्था रखते हुए 40 दिन से ज्यादा हो गए हैं। किसानों की मांगे हैं सभी 1132 भूदाता कृषकों में से शेष बचे लगभग 937 भूदाता कृषकों को इफ्को आंवला इकाई में स्थायी रोजगार प्रदान करवाना। जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बरेली, आज ज्ञापन देने हैं, क्या मांगे हैं आपकी? मांग हमारी कुछ नहीं, हम लोगों का एक धरना चल रहा है आंवला में, आंवला जो इफ्को फैक्ट्री है उस फैक्ट्री में हमारा धरना चल रहा है। उससे करीब 3 किलोमीटर बाहर जो गवर्नमेंट के जो न्यायालय के आदेश के उसके तहत धरना चल रहा है, 42 दिन हो गए जी। उसके बीच में एसडीएम साहब से वार्ता हुई, उन्होंने बताया था कि हम जो इफ्को प्रशासन है उससे बात करके जो हमारे मुद्दे थे उसका सॉल्यूशन निकलवा देंगे, लेकिन इफ्को प्रशासन वहाँ तक आया भी नहीं, ना ही उसने कोई बात की, ना ही लिखित आश्वासन दिया। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ये हैं साहब, जो हमारी ज़मीनें गई थी पहले इफ्को में, उन किसानों को नौकरी देने का मुद्दा था, उन्हें नौकरी नहीं दी गई, उसमें उन्हें समय समय पे कुछ दिन काम दिया गया डेली बेसिस पे, 27 दिन दिया गया। उसके बाद पिछले बार पैक्ट हुआ, इनसे लिखित समझौता हुआ कि 50 जो वैकेंसी जाएंगे इसका 50% ये इनमें से लेंगे, लेकिन वैकेंसी आई जगह जगह से भरी गई, अपने जो इनके मिलने वाले जो भी रहे हों उन्हें भरा गया, लेकिन हमारे किसानों में एक भी आदमी को परमानेंट नहीं किया गया। हमारी मांग है कि 50% जो भी वैकेंसीज हैं, जो वैकेंसी उसके बाद आई हैं, उन्हें फिलअप किया जाए किसानों से, जो हमारे किसान थे जो नौकरी कर रहे थे वो, और बाकी लगभग 1000 किसानों की सूची है जो डेली वेजेस के लिए हम लोग मांग करते हैं कि जब काम है तो उन्हें काम दिया जाए, ये हमारी मांग थी और जायज मांग है। क्योंकि हम तो जो श्रम था, श्रम हम खेती में करते थे, वो खेती चली गई। कितनी किसानों गई खेती? वो गई है करीब 1100-1200 करीब। हाँ जी, देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।